कोरोना संकट की वजह से अप्रैल से जून के इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही की जीडीपी में 23.9% बड़ी गिरावट दर्ज। सरकार ने जारी किए वित्त वर्ष 2020-21 के अप्रैल से जून तिमाही तक के आंकड़े। बताया जा रहा है कि 40 साल में जीडीपी में ये सबसे बड़ी गिरावट है। दो महीने यानी अप्रैल और मई में लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप रही है, जिसका असर जीडीपी पर देखने को मिल रहा है। हालांकि इसका कृषि क्षेत्र पर कोई असर नहीं होगा। कृषि विकास दर जहां +3.4% है, तो वहीं विनिर्माण वृद्धि दर -39.3% रही है। इससे आमदनी कम हो सकती है और नई नौकरियों को लेकर संकट पैदा हो सकता है, और ऐसे में जो नौकरियों में है उनकी छटने की संभावना बढ़ती है और सैलरी में बढ़ोतरी की संभावनाएं कम हो जाती हैं। इस बीच राहुल गांधी ने कहा, पर्याप्त रोजगार के बिना लाखों भारतीय युवा कट्टरपंथी ताकतों में परिवर्तित हो जाएंगे या जीविकोपार्जन के लिए अपराध का रास्ता चुन सकते हैं। चले गए सियासत के शिखर पुरुष। लंबी बीमारी के बाद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन। पूरे देश में शोक की लहर। भारत रत्न प्रणब दा के निधन पर सियासी जगत सन्न। पीएम मोदी, राष्ट्रपति ने जताया शोक। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर कहा अलविदा। प्रणब मुखर्जी कई दिनों से बीमार चल रहे थे और दिल्ली के RR अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। वे दिमाग में खून के थक्के के ऑपरेशन के लिए अस्पताल गए थे, जहां वो जांच में कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे। प्रणब मुखर्जी 2012 से 17 के बीच देश के राष्ट्रपति रहे। 84 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती से लगातार पूछताछ। रिया चक्रवर्ती लगातार चौथे दिन पूछताछ के लिए CBI टीम के सामने हुई पेश। आज भी रिया मुंबई स्थित DRDO गेस्ट हाउस पहुंची, जहां CBI टीम ठहरी हुई है। रिया के साथ उनके भाई शौविक भी पहुंचे और CBI के सामने वो लगातार पेश हो रहे हैं। वहीं कारोबारी गौरव आर्या प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी। कुल मामलों की संख्या 36 लाख के पार। अब तक 27 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक। भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में 5,62,401 लोग, जबकि तमिलनाडु में 3,62,133 और दिल्ली में 1,54,171 मरीज हुए ठीक। दूसरे सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य आंध्र प्रदेश में 3,21,754 मरीज ठीक। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में COVID-19 के कुल मामले बढ़कर 60 लाख के पार पहुंच गए हैं। अमेरिका में कोरोना के करीब 1,83,000 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक करीब 2.5 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। भारत में इस साल बारिश ने तोड़ा 44 साल का रिकॉर्ड। सामान्य से 26.3% ज्यादा बारिश। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक 1 से 30 अगस्त के बीच देश में सामान्य से 26.3% ज्यादा बारिश हुई। मध्य भारत में बहुत ज्यादा बारिश हुई है, जबकि जुलाई के महीने में बारिश 9% कम हुई थी। लगातार बारिश से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में बाढ़ के हालात। बाढ़ से त्राहिमाम के बीच राहत बचाव का कार्य जारी।